हाँ, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये ओम्स लॉ कहता है, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, या वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये भी लिख सकते हैं कि अगर वी बढ़ने पर आई बढ़ रहा, इसका मतलब आई बढ़ने वी बढ़ रहा होगा। तो इसको पलट के भी लिख सकते हैं कि आई वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। अब अभी जैसे उन्होंने देखा था कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, वी इज इक्वल टू अगर लगाएंगे तो आई में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आई में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि देखा था अभी, तो मल्टीप्लाई कर दिया किसी कांस्टेंट आर से। अब इस आर को अगर देखा जाए तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आई। तो आर क्या है, आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आई जितना ज़्यादा होगा आर क्या होगा, उतना कम होगा। आई अगर कम होगा तो आर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आर, ये जो आर कांस्टेंट है, ये आई के करंट के क्या है, इन्वर्सली। मतलब करंट अगर ज़्यादा है तो ये कांस्टेंट की वैल्यू कम हो रही है, इन्वर्स है। जब भी अपॉन रहते हो तो इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आई वहाँ जाएगा तो आर अपॉन में जाएगा, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। यानी हम लोग इससे क्या पता चल रहा है कि आई इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर। आई आर के कैसा रिलेशन है, आई और आर के बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। आर जितना ज़्यादा होगा आई उतना कम होगा, आर जितना कम होगा आई उतना ज़्यादा होगा, उल्टा रिलेशन है। तो इसका मतलब कि करंट की वैल्यू कम हो जाएगी अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा दें, इस कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा दें तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अब यानी इसका मतलब इसका बढ़ना करंट का कम होना। तो ऐसी वो चीज़ जिसके बढ़ने पर करंट कम हो उसे क्या बोलेंगे, करंट के रास्ते में ऑब्स्टिकल, रुकावट। तो अब कोई भी चीज़ अगर करंट को कम कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है करंट के फ्लो को। इसलिए इस कांस्टेंट का नाम क्या दिया गया, रेजिस्टेंस, बिकॉज करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस कांस्टेंट। दैट्स व्हाई दिस कांस्टेंट इज नेम्ड एज रेजिस्टेंस। तो आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। जिस वायर की बात हो रही है उस वायर का ये क्या है, रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस को नाम दिया, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट, ऑब्स्टेकल। तो इसका नाम रेजिस्टेंस क्यों दिया गया, क्योंकि इसके बढ़ने पर करंट कम हो रही है। इस फॉर्मूले को देख के पता चल रहा है कि आर जितना ज़्यादा होगा आई उतनी कम होगी। किसी भी फॉर्मूले में अगर इस टाइप पर बनता है, जैसे ए इज इक्वल टू बी अपॉन सी है, तो सी जितना ज़्यादा होगा ए उतना कम हो जाएगा। कैसे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बी को कांस्टेंट रखते, जैसे बी की जगह रख देते हैं 10 और सी की जगह पे रख देते हैं 2, सी की जगह रख देते हैं 2, तो ए कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 2 5 10, तो ए की वैल्यू आ गई 5। जब सी 2 था तो ए कितना आ गया, 5। अब हम लोग सी की वैल्यू बढ़ा के 5 कर देते हैं। अब अगर ए इज इक्वल टू बी को उतना ही रखते हैं, बी को 10 ही रखते हैं, तो 10 और सी की जगह पे आपकी कितना रख दें, 2। अब इससे पहले सी कितना रखा था, 2 रखा था, अब की सी की जगह पर रख देते हैं 5, तो ए कितना आ जाएगा, 5 2 10। तो ए पहले 5 आया था, अब ए क्या हो गया, कम हो गया, 5 से कम हो गया। और सी क्या था, हम लोगों ने सी को बढ़ा दिया था, सी पहले क्या था, 2 था, अब सी कितना था, 5। तो सी जो है 2 से 5 हुआ, तो ए कितना हो गया, 5 से 2 हो गया। सी के बढ़ने पर ए क्या हो गया, कम हो गया। तो जब भी इस टाइप का रिलेशन होता है तो डिनोमिनेटर के बढ़ने पर यहाँ वाली वैल्यू कम होती है। इसी तरह से आई इज इक्वल टू वी, वी अपॉन आर है, तो आर के बढ़ने पर आई कम हो रहा है, यानी इस कॉन्स्टेंट के बढ़ने पर करंट कम हो रही है, इसलिए करंट के रास्ते में रुकावट का काम कर रहा है। इसीलिए इस कॉन्स्टेंट का नाम क्या दिया गया, रेजिस्टेंस। तो इस आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस क्या हो, ये हो गया ओम्स लॉ का, ये डेरिवेशन हो गया, वी इज इक्वल टू आई आर आर। मतलब ये पूरा एग्जैक्टली ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा, ओके।